हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्योर ब्लड डेमोन। सीजन 3 का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। एंड गाइस, आई एम रियली सॉरी, आप लोगों को कुछ बताए बिना मैं गायब हो गई थी। इसलिए आप लोगों को मैंने कुछ दिनों पहले ये बताया था कि मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं है, तो अभी उनकी तबीयत फिर से ख़राब हो गई थी। बीच में वो एक दो दिन ठीक थी, तब मैंने वीडियो अपलोड किया था और फिर से उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी और हमें फिर से हॉस्पिटल और घर करना पड़ा था। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भरा एक काम है और ऑब्वियसली दादी की तबीयत ख़राब है तो घर में बहुत सारे लोग आए थे दादी को देखने के लिए, मेरे सारे बुआ, बहुत सारे लोग। इसलिए मैं किसी को इन्फॉर्म नहीं कर पाई। लिटरली इन 3 दिनों में मैं अपने फ़ोन को टच भी नहीं कर पाई थी। एंड मैं ये पहले ही बता देती हूँ कि शायद अब से ये होगा कि मैं बीच बीच में गायब हो जाऊं, क्योंकि दादी की तबीयत सच में ठीक नहीं है। अभी वो स्टेबल है, उनको फिर से घर लाया गया है, बट पता नहीं फिर से उनकी हालत कब ख़राब हो जाए। खैर, अभी इन सारी चीज़ों से अलग हटके कुछ लोगों के कुछ सवालों का मैं आंसर देती हूँ। 2-3 लोगों ने मुझे सवाल किया था कि एज गैप दिखा रही हूँ और एक 15 साल के लड़के का मैं इंटीमेसी दिखा रही हूँ, तो हाँ मैंने दिखाया है एंड आई फील कि ये बहुत नॉर्मल है। वांगशन रिलेटेड जो हिस्टोरिकल FF है उनमें कई ऐसे FFs है जहाँ पर एज गैप तो नहीं दिखाया गया है, बट ऐसे 15-16 साल के लव स्टोरीज़ को दिखाया गया है, इंटीमेसी को दिखाया गया है, तो ये बोलना फालतू है। अभी तो मैं किसी का भी FF नहीं सुनती हूँ क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है, बट पहले जब मैं FF शेयर नहीं करती थी तब मैं सारे FFs को सुनती थी, जितने भी लोग एक्सप्लेन करते थे सभी के सुनती थी। तो मैंने बहुत सारे ऐसे सुने हैं जहाँ पर 16 साल की उम्र में जब विंग पढ़ने को आता है तभी वांगजो और विंग के बीच लव स्टोरी शुरू हो जाता है, इंटीमेसी शुरू हो जाता है। क्या वो लोग सच में उन सारी स्टोरीज़ को नहीं सुने हैं जो लोग ये बात कह रहे हैं? और मेरी स्टोरीज़ में हाँ, अभी जो मैंने इंटीमेसी दिखाया है विंग और वांगजी का, उसमें विंग का एज 15 है। और साथ में मैंने ये भी मेंशन किया, ये भी दिखाने की कोशिश किया कि विंग को अपनी मेमोरी याद आ गई है, तो उसका एज 15 हो सकता है बट उसके अंदर जो आत्मा है वो वांगजी की उम्र का ही है। आई डोंट नो कि मैं कितनों को समझा पाई हूँ जिन्हें एज गैप से प्रॉब्लम है या फिर 15 ईयर्स के इंटीमेसी को लेकर प्रॉब्लम है, बट मैं क्या ही कर सकती हूँ यार, स्टोरी लाइन को तो मैं बदल नहीं सकती। एंड एक और सवाल है जो 4-5 लोगों ने मुझसे पूछा कि दीदी आपकी दादी की तबीयत ख़राब है तो आप एक लीव ले लीजिए, आप स्टोरी क्यों अभी शेयर कर रहे हो। ये बहुत सारे ना ऐसे कमेंट मुझे नहीं रिसीव हुए बट इंस्टाग्राम पर बहुत सारे ऐसे DMs आए, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ। गाइस हाँ, मैं बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में हूँ, बहुत ज़्यादा, एंड उससे निकलने के लिए ही मैं वीडियो अपलोड करना चाहती हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरा इकलौता हथियार है जिससे मेरा सारा स्ट्रेस, उदासी, गुस्सा सब कुछ कहीं गायब सा हो जाता है, मेरा दिल एकदम शांत हो जाता है। वरना अभी मैं रिकॉर्डिंग नहीं करती क्योंकि इतने दिनों से जो मेरे ऊपर से बीत रही है, मतलब हॉस्पिटल दिन में 4 बार जाना आना, फिर घर में मेहमान है उनका टेक केयर करना, इतना सब कुछ करते हुए मेरा पूरा शरीर दुख गया है इतनी बुरी तरीके से, बट मैं बैठी हूँ रिकॉर्डिंग करने के लिए क्योंकि मुझे अपना माइंड फ्रेश करना है। तो मैंने बहुत सारा बकबक कर लिया है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्टोरी। पिछले एपिसोड में हमने देखा था विंग और वांगजी को लौटते हुए देखकर सभी हैरान थे। विंग और वांगजी 15 दिन गायब थे जो कोई सोच भी नहीं सकता, मतलब हर किसी ने हर जगह ढूंढ लिया था विंग और वांगजी को, लेकिन किसी को भी कहीं भी विंग और वांगजी नहीं मिले थे। इसलिए पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड एक जगह हुआ था क्योंकि हंगवान जुन गायब हो गए थे और उनके साथ एक डिसिपल जो कि विंग के शक्ल का है, मतलब हीलिंग पेट्रियार्क जैसा दिखता है, वो भी गायब हो गया है। ये मैटर कोई छोटा मोटा मैटर नहीं था, इसलिए पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सारे कुल प्रमुख आए थे, लेकिन उसी दिन विंग और वांगजी वापस आ गए थे। विंग और वांगजी ने सब बताया कि वो लोग कहीं अटक गए थे, उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ पर अटक गए थे, और फिर उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ पर उन लोगों ने बस कुछ घंटे ही बिताए हैं, 15 दिन नहीं,
सभी ये बात सुनकर शॉक्ड हो गए थे। अंकल कुरान वो भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे। उनको तो पहले लगा था कि 16 साल पहले जैसे विंग और वांग जी कोल्ड केव में फंस गए थे, वैसा ही कुछ इस बार भी हुआ होगा। इसलिए अंकल कुरान उन्हें ढूंढने के लिए कोल्ड केव में गए थे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला वहाँ पर। और फिर विंग और जंगलिन के बीच थोड़ा सा झगड़ा टाइप हो गया था, क्योंकि जंगलिन विंग को इंसल्ट कर रहा था और अभी विंग का मेमोरी वापस आ गया था, तो विंग को ये बिल्कुल भी भा नहीं रहा था। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग मन में सोच रहा था कि ये जंगलिन उसके शजीक की तरह कैसे नहीं हुआ, ये तो पूरा अपने बाप जैसा हुआ है, अपने ग्रैंडफादर जैसा हुआ है, जिसे सोचकर विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो भी जंगलिन के साथ बच्चों की तरह लड़ाई कर रहा था। तभी एक आवाज़ ने सबका अटेंशन अपनी तरफ किया था, वो यून था। यून को देखकर सब हैरान हो गए थे। वहाँ पर यून अकेला नहीं था, यून के साथ बहुत सारे लोग थे जिन्हें पहले तो किसी ने भी पहचाना नहीं, लेकिन बाद में अंकल कुरान, जिन ग्वांगशाओ, ये दोनों पहचान गए कि वो कौन है। जिन ग्वांगशाओ, जिसे समझ तो नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन वो तुरंत अपने जगह से उठकर खड़े हो गए और आगे आने लगे। उनका चेहरा एकदम खिल उठा था, उन्हें तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वो अपने आंखों के सामने किसे देख रहे हैं। वो जल्दी से आगे गए और अपने चेहरे पर एक बड़ा सा स्माइल लाते हुए कहा, एम्परर लियांग, ये तो चमत्कार है। आप कल्टिवेशन वर्ल्ड में अपने हमारे छोटे छोटे कबीलों में अपना पाँव रखा, ये हमारा सौभाग्य है। ये कहते हुए कुल प्रमुख जिन अपना सर एम्परर लियांग के आगे झुका लेते हैं। एम्परर लियांग जो बिना किसी रिएक्शन के सब कुछ देख रहे थे, उनका नज़र तो बस एक जगह पर ही अटक गया था, वो था विंग, उनका वी। एम्प्रेस लियांग विन वो जल्दी से आगे बढ़ी और बिना किसी की परवाह किए हुए विंग के पास पहुंच गए। उन्होंने विंग को गले से लगा लिया, उनके आंखों से आंसू निकल आए। जन्म के बाद से आज तक वो विंग को अपने से एक पल के लिए भी दूर नहीं किया है और वहां पर आज विंग से वो लगभग 3 महीना दूर रहे हैं। और 3 महीनों में, इन 15 दिनों में विंग कहीं मिल भी नहीं रहा था। जब उन्हें पता चला था, जब यून ने उन्हें बताया था कि उनका राजकुमार नहीं मिल रहा है, कहीं भी नहीं मिल रहा, तब एम्प्रेस वुइन इतनी ज़्यादा डर गई थी कि क्या ही कहना। उन्हें लग रहा था कि उनका जान ही निकल जाएगा, लेकिन विंग अभी उनके सामने है। उन्होंने विंग को एकदम कस के गले से लगा लिया था और वो बार बार विंग के सर को चूम रही थी और कह रही थी, वी तुम ठीक तो हो ना, तुम कहाँ गए थे, तुम ऐसे बिना बताए कैसे जा सकते हो, तुम्हें पता है ना वी माँ तुमसे कितनी प्यार करती है, तुम हमेशा क्यों ऐसा करते हो, तुम्हें मज़ा आता है वी माँ को दुख पहुँचाने में, चिंता में रखने में। विंग जिसका हाथ बहुत ज़्यादा कांप रहा था, उसके अंदर वो वी मतलब लियांग वी तो कहीं गायब ही हो गया था। अब तो यिलिंग पेट्रियार्क था, वी वुशान था, जिसे अपने पास्ट लाइफ में कभी इतना प्यार मिला ही नहीं। उसने अपने कांपते हुए हाथों से अपनी माँ को मतलब विंग को टाइटली हग किया और बोला, माँ मैं ठीक हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ, मैं आपको दोबारा कभी परेशानी में नहीं डालूंगा, मैं कभी आपको चिंता करने का मौका नहीं दूंगा। अब एम्परर लियांग फिंग भी आगे आते हैं और विंग और अपनी वाइफ को एक साथ गले लगाते हैं। उन्होंने विंग के सर पर चूमा और कहा, विंग तुम ऐसे कहाँ गायब हो गए थे, मेरे डार्क गार्ड्स ने भी तुम्हें ढूंढा लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ही जवाब दे, लेकिन उसने खुद को शांत किया और बोला कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ पर गायब हो गया था, वो तो एक अलग ही दुनिया में जैसे चला गया था जहाँ पर वो बस कुछ घंटे के लिए रहा था। विंग ने वही बात बताया जो सबको उसने और वांगजी ने बताया, जो कि रियल है, जो कि सच्चाई है, लेकिन वहाँ पर क्या क्या हुआ है वो तो किसी को नहीं पता ना। खैर एम्परर लियांग जो सोच में पड़ गए थे, उन्होंने कुछ देर सोचते हुए कहा, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं, तुम थके हुए होंगे, चलो पहले आराम करते हैं और फिर हम घर जाएंगे। ये सुनते ही विंग घबरा गया, उसे अभी यहाँ से जाना होगा, नहीं अभी उसके पास काम है, काम ख़त्म किए बिना वो यहाँ से नहीं जा सकता। इसलिए विंग हड़बड़ाहट में कहता है, नहीं नहीं बाबा अभी घर नहीं जाना, अभी तो 1 साल हुआ भी नहीं। लेकिन एम्प्रेस वेन वो कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें और घूमने का, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चलो मेरे साथ अभी घर चलोगे, मैं तुम्हें और अकेला नहीं छोड़ूंगा।
विंग अपनी मदर मतलब अपनी माँ को प्यार से गले लगाता है और कहता है, माँ आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने वादा किया था, आप ऐसे वादे से नहीं मुकर सकते। अब एम्परर विंग चुप हो जाती है। हाँ उन्होंने वादा किया था, लेकिन उनका बच्चा उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, सारे वादे सारे कस्में सबसे सबसे इम्पोर्टेंट उनका बच्चा है। विंग लग गया था अपनी माँ और बाबा को मनाने में और बाकी सब हैरानी से विंग को देख रहे थे, सबकी नज़रों में हैरानी था। तभी जिन ग्वांगशाओ आगे आते हैं और कहते हैं एम्परर लियांग, लेकिन इससे ज़्यादा वो और कुछ कह नहीं पाते। एम्परर लियांग को भी पता चल गया था कि सबकी नज़रों में सवाल था, इसलिए एम्परर लियांग कहते हैं कि वो लियांग किंगडम के एम्परर हैं जिन्हें यहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं पहचानते हैं, बस दो तीन लोगों को छोड़कर। और फिर उन्होंने अपने एम्प्रेस का भी इंट्रोडक्शन सबके सामने दिया था और फिर सबको पता चला था विंग का असली आइडेंटिटी, विंग लियांग विंग है, जिसको सब बस लियांग विंग ही पहचानते थे, लेकिन लियांग विंग एक्चुअली में लियांग किंगडम का अगला होने वाला एम्परर है, वो हायर है लियांग किंगडम का, जिसे सुनकर सब हैरान हो गए थे। कुछ लोग मतलब कुछ स्टूडेंट्स जो जिंगी के साथ मिलकर विंग को बुली करते थे, मतलब विंग को बात बात में कहते थे कि तुम तो एक किसान का बेटा हो और तुम क्यों यहाँ पर हो, क्यों कल्टीवेशन सीख रहे हो, तुम्हें इतने बड़े सपने नहीं देखने चाहिए, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो विंग को ये सारी बातें बोलते थे, वो सभी हैरान हो गए थे क्योंकि यहाँ पर असलियत में ही विंग का ओहदा सबसे ऊपर है। लेकिन विंग ने कभी घमंड नहीं किया था और ना ही विंग किसी को नीचा करके कभी बात बोलता था, हालांकि वो कभी कभी ये ज़रूर बोल देता था कि जब उससे बहुत गुस्सा आ जाता था तब वो ये बोलता था कि तुम्हारा औकात नहीं है मेरे सामने बोलने का, बट कोई इस बात का सीरियसली नहीं लेता था, अब ज़रूर सब सीरियसली लेंगे। बहुत मनाने के बाद विंग के माँ और बाबा मतलब लियांग फिंग और लियांग विंग वो दोनों ही मान चुके थे कि विंग यहाँ पर रह सकता है, लेकिन यहाँ से विंग कहीं और नहीं जा सकता, विंग यहाँ पर अपनी बाकी के जो पढ़ाई का महीना है मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर विंग का डेढ़ महीना बीत चुका था, अब बचे ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 महीने, तो विंग यहाँ पर उतने दिनों तक रह सकता है, उसके बाद विंग कहीं भी नहीं जा सकता, सीधा लियांग किंगडम उसे लौटना होगा और इस बारे में कोई बात एम्परर और एम्प्रेस नहीं सुनना चाहती। विंग ने प्रेसर हाँ में हिलाया था, ये 4.5 महीने काफ़ी होंगे यहाँ का सारा काम निपटाने में। असलियत में विंग का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पर रहने को लेकर, वो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड से नफरत करता है, उसने यहाँ पर जो लोग मजबूर है जिनके पास पावर नहीं है उनके लिए एक रहने का जगह एक सुरक्षित स्थान बनाया था, उनके लिए एक छत बना दिया था, उन्हें कोई बुली ना कर पाए इसका बंदोबस्त किया था, लेकिन बदले में क्या हुआ, बदले में जो पावरफुल लोग हैं उन्होंने विंग को सबके सामने बदनाम किया, उन्होंने विंग को विलेन बनाया, उन्होंने विंग के साथ कितना ज़्यादती किया और साथ में उन लोगों के साथ भी जो कमज़ोर है जो लड़ नहीं सकते उनके साथ भी कितना बुरा किया, सारे वेंस को उन्होंने मार दिया था, कितने मासूम लोगों का जान बस ताकत के लालच में आके ले लिया गया था। तो विंग बस नफरत करता है, बहुत नफरत करता है कल्टीवेशन वर्ल्ड के इन सारे क्लैन लीडर्स से, लेकिन उसे अपना काम ख़त्म करना होगा, उसे महसूस हो गया है कि कुछ तो ऐसा है जो कल्टीवेशन वर्ल्ड में सही नहीं है, और ऊपर से उसके अंदर जो यन लोहा है उसे भी विंग को इस बार पूरी तरीके से नष्ट करना है, खुद को बिना हार्म किए उसे ये काम करना है, उसे इस बार जीना है अपने माँ और बाबा के लिए, लियांग फिंग और लियांग वुइन के लिए उसे जीना है, उसे अपने किंगडम के लिए जीना है, लेकिन वो कल्टीवेशन वर्ल्ड को भी ऐसे नहीं छोड़ सकता, इसलिए विंग ने ये डिसाइड किया कि वो पहले कल्टीवेशन वर्ल्ड से सारे बुरे ताकतों को हटाएगा और फिर अपने किंगडम लौट जाएगा, उसके लिए उसे थोड़ा टाइम चाहिए था जो उसकी माँ और बाबा ने उसे दे दिया, विंग बहुत खुश है बहुत ज़्यादा। उसके बाद समारोह ख़त्म हो गया था लेकिन कोई भी क्लैन लीडर वहाँ से नहीं गया था, सब वहीं पर रह गए थे। शाम को डिनर का इंतज़ाम किया गया था, डिनर में सब एक साथ आके बैठ गए थे, एम्परर लियांग और एम्प्रेस विंग वो दोनों भी एक साथ आके बैठ गए थे विंग के साथ, सभी एक साथ बातें कर रहे थे और
अभी तो मतलब विंग का एक अलग ही रुतबा हो गया था, सब आ आके विंग से मीठी मीठी बातें कर रहे थे और ज़्यादातर एम्परर लियांग के साथ बातें करने में सब बिजी हो गए थे। एम्परर लियांग भी समझते थे कि सब कैसे उनको मक्खन लगाने में बिजी है और इन सारी चीज़ों से वो वाकिफ है, इसीलिए वो नॉर्मली बिहेव कर रहे थे सबके साथ। एम्प्रेस वेन भी सबके साथ अच्छे से बातें कर रही थी। एम्प्रेस वेन के साथ यान ली, महारानी यू, महारानी जिन और अभी फिलहाल लैन क्लैन की महारानी, मतलब ऑब्वियसली वो फिलहाल नहीं हमेशा के लिए परमानेंटली वो लैन क्लैन की महारानी बन चुकी है, वो है लैन म्यू जो लैन शिचैन की वाइफ है। ये सभी एम्प्रेस के साथ बातें कर रही थी। एम्प्रेस उन्हें अलग अलग चीज़ों के बारे में बोल रही थी और सभी सुन रहे थे। यान ली बहुत ज़्यादा उत्सुक थी ये जानने के लिए, मतलब वो विंग के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थी। तो यान ली अलग अलग सवाल कर रही थी एम्प्रेस विंग से, जैसे कि वो पूछ रही थी विंग का बर्थ कैसे हुआ और फिर विंग बचपन से लेकर कैसा रहा है। यान ली की बातों को एम्प्रेस विंग बहुत ही सिंपली ले रही थी और जवाब दे रही थी। वो कह रही थी कि विंग जब पैदा होने वाला था तब वो कितनी एक्साइटेड थी और विंग उनका कितना ज़्यादा प्यारा है, विंग के आने से उनके लाइफ में कितना खुशियाँ आया है और विंग के बचपन में किए गए सारे शैतानियाँ, जैसे कि वो पेड़ में चढ़ जाया करता था और बस बिना किसी झिझक के नीचे जंप कर दिया करता था। उस वक्त तो एम्प्रेस विंग एकदम डर ही जाती थी, लेकिन हमेशा एम्परर लियांग विंग को अपनी बाहों में पकड़ लिया करते थे। और फिर कैसे विंग के बस एक कहने से एम्परर ने पूरे लियांग किंगडम में बड़े बड़े तालाब क्रिएट किया था, मतलब बड़े बड़े तालाब बना दिए थे जहाँ पर लोटस का खेती किया जाता है, जहाँ से विंग जितना चाहे लोटस सीड्स को कलेक्ट करता है और लोटस सीड को खाता भी है। विंग को लोटस सूप भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सब कुछ विंग कैसे पूरे किंगडम का जान है, जैसे वो कोई आम इंसान है वैसे ही वो पूरे किंगडम में घूमता रहता है, सबसे बातें करता रहता है, बच्चों के साथ खेलता रहता है और कितना शैतानियाँ करता है। लेकिन विंग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अच्छे से निभाता है। विंग एक अच्छा कल्टिवेटर है, वो लड़ाई में बहुत अच्छा है और साथ में वो अपने बाबा के साथ मॉर्निंग कोर्ट में भी कितने अच्छे से हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, हर इंसान को उनका हक दिलाता है। ये सब कुछ एम्प्रेस विंग बहुत ही गर्व के साथ बोल रही थी और यान ली उसका दिल धीरे धीरे ये एक्सेप्ट कर रही थी कि ये उनका ही विंग है। शायद ये विंग का रीबर्थ हुआ है, लेकिन ये उनका ही विंग है, उनका आशयन और कोई भी नहीं, क्योंकि सारे आदतें कैसे एक जैसे हो सकते हैं। हाँ, इंसानों का चेहरा एक जैसा हो सकता है, लेकिन आदत ये तो एक जैसा नहीं हो सकता ना, ये उनका ही आशयन है। लेकिन यान ली कुछ कह नहीं पाई, क्या ही कहती वो एम्प्रेस विंग से। उन्होंने एम्प्रेस विंग के चेहरे पर वो देखा, वो मदर वाला एक प्यार ऑब्सेशन, वो विंग को कितना प्यार करती है और साथ में उन्होंने विंग को बर्थ दिया है, विंग उनका है अब। ऐसे करते हुए सब डिनर कर रहे थे तभी अंकल कुरान डिनर ख़त्म होते ही सबका अटेंशन अपनी तरफ लेते हैं और कहते हैं कि आज उन्हें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना है, जिसे सुनकर सब शांत हो गए थे। अंकल कुरान एक नज़र वांगजी की तरफ देखते हैं और एक नज़र विंग की तरफ देखते हैं और फिर एक गहरा सा ब्रीथ लेते हुए कहते हैं, मैंने ये डिसाइड किया है कि अब लैन क्लैन को एक और फुरैन दिया जाए। लैन क्लैन के सेकंड प्रिंस सेकंड जेड हंगवन जुन, उनके साथ मैं राजकुमारी वेंचिंग का शादी अनाउंस करता हूँ। कुछ ही दिनों बाद उनका शादी होगा, बहुत ही धूमधाम से लैन क्लैन के नए फुरैन को लैन क्लैन में लाया जाएगा। ये सुनकर सभी हैरान हो गए थे, वांगजी तो सबसे ज़्यादा, इस बारे में उससे कोई भी बात नहीं हुआ है। वांगजी अपने अंकल को बस देख रहा था, उसके मुट्ठियों में जो चाय का कप था ना, जो टी कप था, वो उसने एकदम कस के पकड़ लिया था। विंग जो कहीं ठहर सा गया था, उसके दिल में कुछ अजीब सा हलचल हुआ, दर्द हुआ, लेकिन क्यों क्यों हुआ, क्या उस इंटीमेसी की वजह से? नहीं, वो बस एक छलावा था, वो बस किसी ने जानबूझकर किया था जिससे वो दोनों करीब आए। सब कुछ प्लान था, लेकिन किसने किया ये विंग को अभी तक नहीं पता चला। खैर, उस वजह से विंग को बुरा नहीं लगना चाहिए,
वांगजी वो उसे ऑब्वियसली उसे कोई लड़की पर इंटरेस्ट होगा, वो थोड़ी ना किसी लड़की के साथ अपना लाइफ स्पेंड करना चाहेगा। और वो क्यों लान वांगजी के बारे में सोच भी रहा है? लान वांगजी तो उससे नफरत करता है ना। विंग को तो बुरा नहीं लगना चाहिए, उसे तो खुश होना चाहिए। लान वांगजी जिसे वो एक अच्छा दोस्त मानता आया है, हालांकि वांगजी ने कभी उसे दोस्त नहीं माना है, लेकिन विंग ने तो माना है। और वंचिंग वो तो उसका सबसे अच्छा दोस्त है, तो अगर वो दोनों साथ रहेंगे तो विंग को उसमें खुशी होगा, है ना। लेकिन विंग वो इतना बेचैन क्यों है? विंग ने अपनी मुठिया कस लिया था, उसे बहुत ज़्यादा अंदर से बेचैनी हो रहा था और उसके चेहरे पर वो दिख भी रहा था। लेकिन विंग बहुत मुश्किलों से अपने आप को संभालता है और शांत होकर बैठता है। दूसरी तरफ वांगजी खुद को शांत नहीं कर पा रहा था, वो सीधा उठा और बिना किसी को कुछ बताए उस समारोह से चला गया। ये थोड़ा रूड था, लेकिन किसी ने भी इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। वेंचिंग जो शर्मा रही थी, उसे सच में लान वांगजी पसंद है बहुत ज़्यादा। विंग के जाने के बाद वांगजी बार बार वेंस के पास आया है, जिन्हें विंग ने बचाया था। उनके पास आता था वांगजी और उनका हाल चाल पूछता था। वांगजी ने एक तरीके से आयुआन का पूरा जिम्मा ले लिया था, आयुआन का सब कुछ, मतलब पढ़ाई से लेकर ट्रेनिंग, एक अच्छा कल्टिवेटर बनना, सब कुछ वांगजी ने ही खुद से देखा था। आयुआन की परवरिश में वांगजी ने बिल्कुल भी कमी नहीं किया था। साथ में बाकी के वेंस को कब क्या ज़रूरत होता है, कब क्या चाहिए, उनको कौन से चीज़ में परेशानी हो रहा है, सब कुछ वांगजी अच्छे से ख्याल रखता था। हालांकि जियांग्स भी वेंस का हमेशा ख्याल रखते थे, लेकिन वांगजी वो बार बार लैन क्लैन से वेंस के पास दौड़ दौड़ कर जाया करता था। शायद यही वजह है कि वेंचिंग वांगजी पर कमज़ोर हो गई है। तो जब मास्टर लैन कुरान ने वेंचिंग के सामने मैरिज प्रपोजल रखा, तो वेंचिंग पहले तो बहुत ज़्यादा शर्मा गई थी, लेकिन बाद में उसने एक्सेप्ट कर लिया था। वो भी चाहती है वांगजी के साथ रहना। वांगजी जैसा इंसान बहुत मुश्किलों से मिलता है, बहुत मुश्किलों से, इसलिए वेंचिंग शर्मा रही थी। लेकिन तीन इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं हो पा रहे थे। एक तो विंग, वो अपने ही फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा था, उसे ऐसे अजीब से फीलिंग्स क्यों हो रहे हैं। दूसरा लैन शिचैन, जिसे पता है वांगजी का फीलिंग्स, लैन शिचैन को अच्छे तरीके से पता है। मतलब पहले उन्हें पूरी तरीके से बात समझ नहीं आया था, लेकिन कुछ दिन पहले उनको ये बात समझ आ गया था कि विंग के ऊपर वांगजी कितना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। कमज़ोर कहना गलत होगा, वो ऑब्सेस हो चुका है, वो प्यार कर चुका है विंग से। और वांगजी खुद उसे इतना गुस्सा आ रहा था, पहली बार उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अपने अंकल के सामने जाए और कहे कि आपने ऐसा क्यों किया, मुझसे बिना पूछे मेरे ज़िंदगी का इतना बड़ा डिसीजन आपने कैसे ले लिया। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा। बाय बाय।